हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जांगिड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है पार्लर लाइक मेकअप, यानी अगर आप पार्लर में जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं हमारे, अगर आप ऐसा ही पार्लर जैसा मेकअप घर पे पाना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल बटन को हिट जरूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको आज का ये मेकअप लुक बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैंने लिया है अयूर का क्लिंजिंग मिल्क। इससे मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। देन फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ NYB का प्राइमर। अगर आपको पार्लर लाइक ग्लो चाहिए तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन फिर मैंने ओलिविया की पेन स्टिक अप्लाई की है और उसके ऊपर मैंने अपना स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लगाया था, जो हाई कवरेज फाउंडेशन है। देन फिर हम क्या करेंगे, अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और उस पर स्प्रे करेंगे सेटिंग स्प्रे। ऐसा करने से जो हमारा फाउंडेशन होगा वो अच्छे से लॉक हो जाएगा और बहुत फ्लॉलेस लुक देगा और लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। पार्लर्स में यही ट्रिक अप्लाई की जाती है ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो ब्लैक ना पड़े और एक हाई कवरेज हमें प्रोवाइड हो। और आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम फाउंडेशन मिक्स करके लगाते हैं ओलिविया पेन स्टिक में तो कितना अच्छा ग्लो आता है। आप डिफरेंस जो है वो खुद ही देखिएगा कि जैसे जैसे मैं ब्यूटी जो अपना ब्यूटी ब्लेंडर है उससे अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ वैसे वैसे हमारे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। आप देख सकते हो डिफरेंस जो है दोनों साइड आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो डैम होना चाहिए, यानी उसको पानी में स्क्वीज आउट करके आपको यूज़ करना है। देन फिर कंसीलिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की पैन स्टिक फाउंडेशन। मैं कोई दूसरा यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत हाई कवरेज है और स्वेटिंग अगर आपको होती है तो ये हमारे जो फाउंडेशन है उसको बिल्कुल भी बहने नहीं देता और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करने होता इससे। तो आप जब हाई कवरेज कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी स्टिक को यूज़ किया कीजिए, ये बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड करेगी आपको। देन फिर आपको पाउडर सेटिंग करनी है। मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ क्योंकि कॉम्पैक्ट से हमें वन शेड लाइटर इफेक्ट मिलता है फेस पे। देन फिर हम रिवर्सल पैलेट से एक ब्राउन कलर लेंगे और अपनी क्रीज बनाएंगे। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई मेकअप अगर आप अच्छे से टेक्निक सीख जाते हैं तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। देन फिर एक मैंने थोड़ा सा इससे डार्कन शेड लिया था और एक फ्लफ़ी ब्रश से मैंने दोनों आई शेड को ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा आप टाइम लगाइए ताकि आपको अच्छे से दोनों जो आई शेडो हैं वो अच्छे से ब्लेंड आउट दिखें। जब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि दोनों जो आई शेड हैं वो ब्लेंड हो गए हैं और आपको डिज़ायर कलर मिल गया है, देन फिर हम एक ये गोल्ड शेड है क्योंकि मेरे जो साड़ी है उसमें गोल्डन कलर है तो मैं इसको अपनी पूरी की पूरी आई लिड जो होती है, जैसे हमारी आईज़ की जो शेप होती है वहाँ से आपको क्रीज लाइन तक अपनी नीचे उसके नीचे तक थोड़ा सा जाना है और पूरी लिड पे इसको लगा देना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको पूरे पे लगाना है ये गोल्डन शेड और ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन फिर इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, ब्लू हेवन का लिक्विड हाई ये लाइनर है गोल्ड शेड में, इसको ऐसे एक कट क्रीज की शेप दे दी है और जो हमारी आईज़ की शेप होती है वही शेप बनाई है। एंड देन हाफ जो हमारे आउटर साइड होती है आईज़ की वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ किया है ब्राउन, एंड सेंटर ऑफ लिड पे मैंने पिंक कलर के ग्लिटर्स लगाए हैं। बस सेंटर ऑफ लिड पे हल्का सा ग्लिटर लगाएंगे ताकि थोड़ा सा सिमरी इफेक्ट आए। देन फिर लाइनर अप्लाई कर लिया है मैंने, आप चाहें तो विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सिंपल लाइनर रखा है और नीचे डार्क ब्राउन कलर को मैंने मर्ज कर लिया है क्योंकि हम काजल जब लगाएंगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। और फिर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस की, इसके लिए मैंने ब्राउन शेड ही यूज़ किया है अपनी आई पैलेट से और मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा करने से आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जितना नीड होती है उतना ही प्रोडक्ट आता है। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, ये मैंने रिवर्सल पैलेट से ही लिया है डार्क पिंक शेड और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अपर डायरेक्शन में इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा जो फेस है थोड़ा सा स्लिम दिखाई दे।
हल्का सा फोरहेड, नोज, चिन, इन सब पे भी लगाया कीजिए। आप सिर्फ चीक्स पे लगा के ना छोड़ें उसको, अपने थोड़ा सा फोरहेड एंड नोज़ और चिन पे भी लगाएं। देन फिर कट क्रीज दिखाने के लिए अच्छे से अपने फेस के जो हमने कॉन्टोरिंग वगैरह किया, हमने बेक कर लिया था अपने फेस को, पाउडर, ये लूज पाउडर लिया था मैंने लैक्मे का। देन फिर हमने काजल अप्लाई कर ली है, अगर आप चाहते हैं बोल्ड काजल तो वो भी लगा सकते हैं, मैंने लाइट सी लगाई है। फिर मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिए हैं, अब बाउन अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट किया है मैंने। यस, ये मेरा फाइनल लुक। मैंने छोटी सी बिंदी अप्लाई की है और एक चोकर ग्रीन कलर का नेकलेस है वो मैंने वेयर कर लिया है। एंड यस, अपनी लिपस्टिक लगाई है पिंक कलर की और अब मैं लगा रही हूँ गोल्ड शेड का हाइलाइटर। अगर आप नाइट आउट पार्टी में जाते हैं तो आप थोड़ा सा गोल्ड शेड की तरफ ही जाइए हाइलाइटिंग पे, क्योंकि जब रात में पार्टीज़ में यू नो लाइट्स जलती हैं तो वो गोल्ड येलो कलर की होती है, तो जब वो हमारे फेस पे पड़ती है तो हमारा फेस की जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो जो हमारे मतलब फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ हम अपनी हाइलाइटिंग करेंगे। और यस, अगर आप कुछ हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन हेयर किया हुआ है, बस एक छोटा सा क्लैचर लगाया है मैंने बैक में। आप चाहें तो कुछ बन वगैरह, मैसी बन भी बना सकते हैं, या पूरे हेयर्स जो हैं वो भी ओपन रख सकते हैं, या कर्ल्स भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसा लुक चाहिए। मैंने इसको इस तरह से क्रिएट किया है, अगर आप चाहते हैं कुछ अलग तो आप वो भी कर सकते हैं। देन फिर मैंने एक छोटी सी बिंदी अप्लाई की है, होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा मेकअप लुक। अगर ज़रा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड यस, ये हमारा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।